कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस से प्रभावित लोग सामने आने के बाद अब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला कुरुक्षेत्र में जहां स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक के बाद लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 2 आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ 3-लेयर मास्क भी मुहैया कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुरुक्षेत्र में कोई भी संदिग्ध कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया है। सर, कोरोना को लेकर के क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? कोरोना वायरस के लिए कल हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरी इनकी तैयारी कर रखी है। हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, लॉजिस्टिक हमारे पास पूरे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके पास वेंटिलेटर हैं उनके साथ हमारा टाई अप है, और जिसमें हमने 5 हॉस्पिटल प्राइवेट कर रखे हैं। अगर कोई केस आते हैं तो वहाँ से कम कर सकते हैं। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात है, वो सारे हमारे पास कंप्लीट है। मास्क और ये किट वगैरह हमारे पास है, हमारे पास अवेलेबल। तो अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध नहीं? अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। जो हमारे पास हेडक्वार्टर से लिस्ट आई थी, जो पब्लिक फॉरन से आई थी, उनको हमने सारों को ट्रेस कर लिया है, जिसमें से 3 हमारे को अनट्रेस रहे, बाकी हमारे साथ ट्रेस सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या बचाव किया जा सकता है, अवेयरनेस? जी, इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो इसके लिए ज़रूरी है। कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले हमें हाथों की अपनी सफाई कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, किसी इन्फेक्टेड चीज़ के हम लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो तुरंत साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि जो इसका वायरस है अगर किसी सरफेस के ऊपर गिर रहा है तो 10-12 घंटे तक जीवित रह सकता है, कपड़ों के ऊपर जीवित रह सकता है। तो अगर हम लोग किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो जैसे अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अगर किसी में ये लक्षण नज़र आते हैं तो उसको तुरंत हम लोगों को आइसोलेट करना है, मतलब उसको अलग रखना है। फिर भी ऐसा कुछ है तो मास्क, 3-लेयर मास्क हम लोग लगा सकते हैं। एक दूसरे के संपर्क से बचें, अगर किसी को ऐसे सिम्टम है तो 1.5 हाथ की दूरी बना के रखें, खांसते समय छींकते समय हैंकी का इस्तेमाल रखें या अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाएं, और तुरंत फिर से साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। कहीं पर भी भीड़ वाली जगह पर, मार्केट हो गया, मॉल हो गया, कोई ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ पर भी इन्फेक्टेड पर्सन हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जो इसका वायरस है वो इतना जल्दी किल नहीं होता है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम आते हैं तो अपने जो कपड़े हैं, जो अंडरगारमेंट्स हैं, उसको धूप में अच्छे से हम लोगों को सुखाना चाहिए। और क्योंकि ये सारा इम्यूनिटी के ऊपर बेस है, तो जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी बच्चे हैं वो उसकी जल्दी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा लो होती है। तो खाने पीने का भी अपना विशेष ध्यान रखें, भरपूर मात्रा में पानी, हेल्दी डाइट लें और रेस्ट करें। इससे पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसे किसी को अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत हम लोगों को उसकी इत्तला दें, और जो भी उसकी कार्रवाई होगी तुरंत हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या इंट्रोडक्शन रहेगी? मैं बिंदु राय, एपिडेमियोलॉजिस्ट। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।